एकादशी, तो हमारा है एकादशी का फास्ट, इसका भी है। ये तो बैठ के मुझे घूर रही है। अभी अभी हमने प्रसादम पाया है और प्रसादम हमने यहाँ तक पाया है ताकि हमें भूख ना याद रहे और हम अच्छे से जप वगैरह कर सकें। हमारे प्रभु जी कहते हैं कि हमको जो फीस्टिंग है वो यहाँ तक करनी चाहिए ताकि हम साधना करें, हमें भूख की याद ना आए उस बीच में। हमने वही और हमारी फास्ट फीस्टिंग। मम्मी प्लेट काट रही है। देखो मुझे कुछ समझाने के लिए बोला है सर, ये दिखाऊं तो सही कि क्या हो रहा है। आपने बोला था सिखाने के लिए। देखो मैंने सही लगाया, गलत हो रखा है। रास्ते में बिल्कुल चैन नहीं है, सब हमें ही देखते हैं कि आप पागल पंतियां करती चलती है दोनों में। इरिटेट हो रही हूं मैं इतना, ये फॉर्म में आ रही है इतना कोई नहीं है आता सच में। ठीक से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ मैं। घर आ गए हैं भाई। देखो इनके हाल कितनी तेज भागी है जैसे इन्हें कोई चोर पकड़। तेरी बातों में अंदर हटाओ तो इसे, वो रोक के खड़ा है। तुम क्यूट क्यों हो? तो ये काम नहीं है ना, ये पता नहीं क्या करती है। मेरे फोन में क्लियर नहीं आ रही है वीडियोस, ब्लर ब्लर हो गए हैं। कोई नहीं ट्राई करने। देखा मैंने ठीक कर दिया, अब सही आ रहे हैं। कामनी ना लग गया क्या? लीपा पोती कर रही है कामनी को। मैंने कोकोनट ऑयल लगाया उसको मुंह पे, सी बहुत चिढ़ गई। ऐसे करके भर के यूं लगा दिया जी, खुद से नहीं लगा रही थी तो मैंने सोचा अब लगा दे। ऐसा लग रहा सोख लोट गई मुझे, कहीं की परेशान करती है। किसी मत किया करो यार। हरे कृष्णा। तो मैंने जस्ट अभी अभी आदि पुरुष का टीजर देखा और मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे देख लिया था कि लोग उसके बारे में बोल रहे थे कि कैसा दिखाया। मैंने सोचा चलो देखते हैं आखिरकार उसमें क्या है। मतलब बॉलीवुड कुछ भी बनाने लगा है। हनुमान जी को लेदर के कपड़े पहनाए हुए हैं और उसके रावण की कटिंग दिखाई हुई है और उसको मतलब रावण को खिलजी जैसा लुक दिया हुआ एकदम गंदा सा। और वो रावण का जो विमान था जिसे वो सीता जी को चुरा के ले गए थे उसको एक चील का रूप दे दिया गया, ऐसे गंदा सा। और इतना ज़्यादा शोर शराबा, ऐसा लग रहा है बहुत शोर वाली वीडियो मतलब कुछ देख रहे हैं। ऐसे कहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम एकदम शांत स्वभाव के हैं, एकदम उनको देख के अच्छा लगे शांति से देखा जाए। उसमें देखा इतना ज़्यादा शोर, ऐसा लग रहा हॉलीवुड की किसी सुपर हीरो की मूवी बना दी, कोई रियल चीज़ दिखाई नहीं रहे, बिल्कुल अलग ही कर दिया है उसको।
बॉलीवुड कभी फेल नहीं होता हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करने में, हमेशा वो पास होता है, उन्होंने इस बार भी ऐसा ही किया है। अभी जस्ट ना हमारा पोपट हुआ, मैंने पूरे 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें मैंने कार्तिक महीने के बारे में बताया, और क्योंकि ये माइक्रोफोन कनेक्ट किया था तो सही से कनेक्ट नहीं हो पाया और मेरी बिल्कुल आवाज़ रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ मेरी मुंह बोलने का, मुंह चलाने का आ रहा है। अब एक बार चेक कर लो चल रही है कि नहीं। अब तो मैंने जस्ट चेक कर लिया, अब तो आ रही है, वो मुझसे ही ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ शायद। फिर से बताएंगे हम कार्तिक महीने के बारे में कि कार्तिक महीने के व्रत का पालन कैसे करना है। जो लोग सुनना चाहते हैं वो रुक जाएं, बाकी चले जाएं, क्योंकि ये लंबी बढ़ जाती है थोड़ी वीडियो, वैसे देख लो तो अच्छा ही होगा। तो कार्तिक के महीने में हमें क्या करना है, सुबह 4 बजे उठना है, 3:30 उठोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, 4 बजे उठना है और स्नान करना है। अब लोगों में एक मिथ है कि हमें ठंडे पानी से ही नहाना होता है, नहीं, आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं, इस बात का कोई शास्त्रिक आधार नहीं है कि हमें सिर्फ ठंडे पानी से नहाना चाहिए। पहले लोग तालाब वगैरह में जाके नहाते थे तो इसलिए ठंडे पानी से नहाते थे, अब आप गर्म से भी नहा सकते हैं। ये हमारी आज एक हमारा लेक्चर हुआ, तो उसी में हमारी माता जी ने बताया, एक प्रभु जी ने क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन किया था उन्होंने, तब उन्होंने बताया था कि हम गर्म पानी से भी नहा सकते हैं। नहाने के बाद आपको मंगला आरती करनी है सुबह, मतलब आरती जो करनी है 4 बजे। मंगला आरती के बाद दीपदान करना है, दीपदान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है मिट्टी का ही दिया इस्तेमाल करना है, जो हमारा पीतल वाला जिसको हम आरती के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे तो आरती हो गई, लेकिन दीपदान के लिए अलग से हमें मिट्टी का दीपक यूज़ करना है। दीपदान का मतलब यही है कि वो दीपक गया, उसको वापस से यूज़ नहीं होगा, तो हर दिन हमें, मतलब जब भी हम दीपदान करें, नया दीपक का इस्तेमाल करना है और हर एक फैमिली मेम्बर के लिए अलग दीप यूज़ करना है। ये नहीं कि जिससे आपने दीपदान कर लिया उसी का ही इस्तेमाल फिर दूसरों को फैमिली मेम्बर कर ले। और दीपदान करने के लिए हम तिल का तेल या देसी घी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई तेल यूज़ नहीं करना होता, जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह नहीं यूज़ करना होता है। और दीपदान करने के बाद हमें तुलसी महारानी की भी आरती करते हैं। ध्यान रखना है तुलसी महारानी की, अगर आप आरती करना स्टार्ट कर रहे हैं तो तुलसी महारानी को कपड़े पहनाए होने चाहिए, वस्त्र पहनाए होने चाहिए। अब आप कहेंगे तुलसी महारानी का वस्त्र कैसे पहनाएं, यदि आप कभी इस्कॉन टेम्पल में गए हो तो आपने देखा होगा तुलसी महारानी के गमले पे एक वस्त्र को बांधा जाता है, कपड़े को, तो वो उनके वस्त्र होते हैं। इसी प्रकार आपको भी वस्त्र पहनाने के बाद ही तुलसी महारानी की आरती करनी है, नग्न अवस्था में नहीं करनी है। और जो दीप दान करना है वो हमें सूर्योदय होने से पहले ही करना है, अगर आप शाम को कर रहे हैं तो सूर्यास्त होने के बाद करना है, मतलब शाम को, जैसे मंदिर में समय है 7 से 9 का, सुबह 6:45 से पहले आपको दीप दान कर लेने हैं। और कार्तिक महीने में नॉर्मली जो हम अपने भगवान के लिए भोग बनाते हैं उससे हटकर हमें कुछ स्पेशल अपने भगवान के लिए भोग बनाना है और उनको अर्पण करना है। और कार्तिक महीने में हम जितनी भक्ति करते आ रहे हैं, जो हम भक्ति करते हैं उससे तो हमें ज़्यादा ही भक्ति करनी है। नॉर्मल महीने में जो हम कर रहे हैं हमें कोशिश करना है कि हम उससे ज़्यादा भक्ति करें, जैसे अगर आप 4 माला कर रहे हो तो आप 6 करना शुरू करें, आप 6 करते हैं तो 8 करें, 16 करते हैं तो 25 करें, इस तरीके से हमें अपनी भक्ति को बढ़ाना है कार्तिक के महीने में, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत पवित्र होता है, जो काम हम करते हैं उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है, तो हमें इसीलिए भक्ति और ज़्यादा करनी ताकि हम भगवान के और करीब पहुँच सकें। और मैंने पुरानी वीडियो में बोला, मुझे इतना ही याद आ रहा है, ज़्यादा याद नहीं रहा। और कार्तिक के महीने में दान ज़्यादा करना चाहिए। और कार्तिक, हाँ एक और बात, कार्तिक के महीने में लहसुन प्याज किसी को भी नहीं खाने चाहिए, सिर्फ तुलसी माला पहनने वालों को नहीं, किसी को भी नहीं खाने चाहिए कार्तिक के महीने, हमें इसका परहेज करना चाहिए। कार्तिक महीने के लिए अलग अलग प्रकार के व्रत होते हैं, सब पर कंपल्सरी नहीं होता कि सब ऐसा करें, लेकिन जिनकी इच्छा है वो कर सकते हैं भक्ति में और अच्छा करने के लिए, कि वो प्रण कर सकते हैं कि हम सिर्फ दिन में एक बार खाना खाएंगे, ज़रूरी नहीं है सब करें, जो कर सके, जिनका शरीर अलाव करे वो लोग करें। तो फिलहाल तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, बाकी अगर आपको कोई भी सवाल है कार्तिक महीने से, व्रत के महीने से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा हमारा जो इंस्टाग्राम का हरी सखी पेज है वहाँ पर जाकर भी पूछ सकते हैं। और जैसे ही कार्तिक महीना शुरू होगा तो हम कार्तिक महीने के महिमा के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और हाँ, मैरिड कपल्स के लिए होता है कि उन्हें सेलिबेसी मेंटेन करके रखनी होती है, मतलब 1 महीने के लिए उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है, बाकी अभी फ़िलहाल मुझे इतना याद आ रहा है, बाकी का हम आगे और डिस्कस करेंगे। जिससे जैसे आप कमेंट में मुझसे सवाल पूछेंगे उसी तरीके से मैं आपको उसके जवाब देती रहूँगी। तो आज का व्लॉग इतना ही, हम यहीं ख़त्म करते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हरी बोल।